नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग के बारे में। जो लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस है वो कैसे होती है और ये कितने टेम्परेचर पे काम करती है, और इसको जो ये नाम दिया गया है लिक्विड कार्बोराइजिंग वो क्यों दिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये कार्बोराइजिंग प्रोसेस है, हम करते क्यों हैं। देखिए, जो लो कार्बन स्टील है या माइल्ड स्टील की बात करें, जिनके अंदर कार्बन की परसेंटेज काफ़ी कम होती है, उनके अंदर कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो उनकी सतह है उनको कठोर करने के लिए ये प्रोसेसेस की जाती हैं, ताकि हम किसी भी जो लो कार्बन स्टील है या माइल्ड स्टील है उनकी सतह को, मान लीजिए ये सतह है, इसको थोड़ी डीप तक हार्ड कर सकें, सख्त कर सकें। तो मान लीजिए इतनी सतह हम उसकी हार्ड कर देते हैं, और जो बीच में ये होती है कोर, ये हमारी नरम ही रहती है, लेकिन जो ये सतह है, केस इसको हम बोल देते हैं, ये हार्ड हो जाती है, ये हार्ड हो जाती है। तो इसका हार्ड करने का क्या पर्पज है? ताकि हम इसका कहीं भी यूज कर सके, ये वियर रेजिस्टेंस बने और जल्दी से घिसे ना, खराब ना हो, तो इसलिए इसका जो केस है वो हार्ड कर दिया जाता है। तो इसके लिए कई टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कई प्रोसेसेस यूज की जाती हैं, जिनमें से एक है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो लिक्विड कार्बोराइजिंग में हमें क्या करना है? लिक्विड कार्बोराइजिंग के अंदर क्या होता है, हम एक लिक्विड यूज करते हैं। लिक्विड मतलब हम कुछ पार्ट लेते हैं और उनको गर्म करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स लेते हैं, उनको गर्म करते हैं और उनको एक लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या क्या चीजें लेते हैं? एक तो हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड लेंगे, दूसरा लेते हैं सोडियम साइनाइड लेते हैं, और लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह के हम ये चीजें लेंगे और इन तीनों चीजों को मिलाकर एक क्रूसिबल में रख के, उनको फर्नेस में रख के अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ये जो गर्म करने का टेम्परेचर होता है ये लगभग 950 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो उससे क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो सारे हमने चीजें ली हैं, इनका मिश्रण बनाया, मिश्रण बनाने के बाद हमने इसको गर्म किया लगभग 950 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे वो गर्म हो गए। गर्म होने के बाद हमारा जो पार्ट है जिसकी हमें सतह कठोर करनी है, सतह कठोर कैसे होगी? अगर इसके अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो इंक्रीज होगी इसकी सतह में, तो हम कार्बन की मात्रा इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? ये हमने कार्बन युक्त जो थे हमारे पदार्थ, ये हमने लिए और उनको अच्छी तरह से मिला के उनको गर्म किया 950 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे तरल में चेंज हो गए, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए। उसके बाद जो हमारा पार्ट है हम उसको इसके अंदर डिप करेंगे, लोहे की तार से बांध कर आप इसको इसके अंदर डिप कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर एक लोहे की छलनी आप ले सकते हैं, उसके अंदर रख के इसके अंदर उसको डिप कर सकते हैं, अंदर उसको डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, इतने टेम्परेचर के ऊपर जब हम इसको, जो हमारा पार्ट है जिसकी हमें स्टैक टोर करनी है, जब इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बन के कंटेंट हैं वो जाने स्टार्ट हो जाएंगे इसकी स्टैक के अंदर, कुछ नाइट्रोजन के भी जाएंगे, लेकिन कार्बन के कंटेंट के कारण क्या होगा, इसकी जो सतह है वो हार्ड हो जाएगी। तो जो ये पार्ट होगा, जितने टाइम हम इसको रखेंगे अकॉर्डिंग टू थिकनेस, जितनी सतह हमें हार्ड करनी है, तो ये जो सतह है इसकी हार्ड हो जाएगी, और जो ये कोर है वो वैसे ही नरम रहेगी, तो कोर इसकी नरम रहेगी और जो सतह है, ये केस है, ये हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस की जाती है ताकि उसकी सतह को हम हार्ड कर सकें और उसका हम यूज कर सकें जहां भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इसको बोला जाता है लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड मतलब तरल पदार्थ में चेंज करके इन चीजों को, उसके अंदर पार्ट को डाल दिया जाता है, और उसके बाद उससे जो कार्बन की मात्रा है उसकी सतह में बढ़ती है, वो हार्ड होता है, और क्या होता है, जो ये जो प्रोसेस है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जितनी हमें सतह इसकी मोटी हार्ड करनी है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम है, कितनी देर हमें रखना है, फिर इसको निकाल के हमें ठंडा करना होता है, निकाल के एकदम से उसको कूल कर लेते हैं, तो उसकी जो सतह है ठंडी हो जाती है, सॉरी ठंडी होने के साथ साथ सख्त हो जाती है, जैसे जैसे ठंडा होगा तो वो सख्त होती चली जाएगी। तो ये है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।